हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, टाइटल से पता लग ही गया होगा आज के वीडियो के बारे में। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप क्लीन आईब्रोज कैसे अचीव कर सकते हैं, आप अपने आईब्रोज को कैसे फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया है, किस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इसके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए, मैं यहाँ पे ब्लू हेवन के आईब्रोज ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अपने आईब्रोज को यहाँ फिल करूँगी, एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे थोड़े करीब आना पड़ेगा। तो ये मैंने अपनी वीडियो को कर लिया है जूम। फिल करने से पहले मैं यहाँ पे एक स्पूली की हेल्प से, कोई भी आप स्पूली ले सकते हैं, अपने आईब्रोज को मैं कॉम करूँगी, सो डेट कोई भी हेयर्स अगर आपस में स्टिक ऑन हुआ है तो वो अलग हो जाए, ताकि हमारी आईब्रोज अच्छे से फिल हो जाए। देन मैंने क्या किया है, ब्लू हेवन के आईब्रो स्टिक लिए। आप कोई भी आईब्रो स्टिक ले सकते हैं, आपके पास कोई आईब्रो पेंसिल है आप उससे भी फिल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने आईब्रोज के नीचे एंड ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल जस्ट उसी आईब्रो से टच होती हुई आपको लाइन ड्रॉ करनी है। एंड लाइन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सो दैट आपके आईब्रोज फिल लगे। तो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के बाद आईब्रोज की स्टार्टिंग में हल्के हल्के स्ट्रोक्स दे दिए, सो दैट स्टार्टिंग में हमारे हेयर्स की ग्रोथ कम होती है, मतलब बहुत ही हल्की होती है, तो हम वहाँ पे नेचुरल लुक देंगे। ड्रॉ करने के बाद जो बीच का एरिया है, जो हमारे आईब्रोज के बीच का एरिया है, मैंने उसको फिल कर लिया है उसी आईब्रो पेंसिल से, एंड मैंने उसको थोड़ा सा डार्क कर लिया है। मेरा जो शेड है यहाँ पे, ये डार्क ब्राउन है। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा लाइट है तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइन को और डार्क कर लिया हल्का सा, ठीक है, सो दैट थोड़ा सा क्लीन लगे, एंड बीच में मैंने उसको फिल कर लिया। बहुत ही इजी है, आप एक दो बारी प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सेम वैसे ही अपने सेकंड आईब्रो में भी कर लिया है, एंड थोड़ा सा ना टेल आप हल्का सा पीछे से निकालेंगे, जो आईब्रोज के एंड में हल्की सी मैंने टेल भी निकाली है, सो दैट मेरी आईब्रोज थोड़ी सी बड़ी लगे, क्योंकि मेरी आईब्रो के एंड में हेयर ग्रोथ थोड़ी सी कम है। तो मैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग दिखाने के लिए, फेक यू नो फेक दिखाने के लिए मैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग करूँगी। तो मैंने इस तरह से दोनों एंड्स में ड्रॉ लाइन कर ली है, स्टार्टिंग में स्ट्रोक्स फिल कर ली हैं, एंड अपने आईब्रोज के बीच में उसको फिल कर लिया अच्छे से, गैप्स को मैंने फिल कर लिया है। मैं इसको ओवर डन नहीं करूँगी, एंड इसको नेचुरल लुक दिखाने के लिए मैं फिर से उसी स्पूली की हेल्प से मैं उसको कॉम करूँगी, सो दैट अगर कहीं मेरा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लग गया है, मेरा कोई हेयर आईब्रो का हेयर कोई स्टिक ऑन हो गया, तो वो अलग हो जाए। देन मेरा ये कंप्लीट होने के बाद मैं कोई भी एक पतला ब्रश लूंगी, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। तो मैं कंसीलर की हेल्प से उस ब्रश में मैं कंसीलर लगाऊंगी, एंड अपने आईब्रोज की स्टार्टिंग में मैं उस लाइन उसी ब्रश की हेल्प से, जिसमें मैंने कंसीलर लिया है उसी की हेल्प से मैं ड्रॉ करूंगी, सो दैट अब एक फिनिश टच देने के लिए, एक फिनिश लुक देने के लिए, कि आपकी आईब्रोज बहुत ज्यादा फिनिश लगे। देन अपने दोनों आईज में मैं एंड्स में कर दूंगी, एंड मैंने अपने आईब्रोज के बीच में भी कर लिया, सो दैट जो स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग के जो पोर्शंस हैं वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लगे, बिल्कुल मेरी दोनों आईब्रोज बहुत ज्यादा क्लीन लगे, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड लगे आप कह सकते हो। एंड सेम मैं वही ऊपर की तरफ भी करूंगी। कंसीलर अगर आपका खत्म हो जाए, पतला ब्रश इसलिए लेना है ताकि वो फाइन लाइंस आपको दे, बहुत ही परफेक्ट लाइन आपको मिले। आप कोई भी आईलाइनर ब्रश भी ले सकते हैं, जो मेरा यहाँ पे ब्रश मैंने लिया है ये एक आईलाइनर ब्रश है, काइंड ऑफ आईलाइनर ब्रश है, तो मैंने उसी की हेल्प से लिया, एंड अपने दोनों एंड्स में मैंने इसको इस तरह से कर लिया, सो दैट देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लग रही है, दोनों आईब्रोज बहुत ज़्यादा फिनिश लुक दे रही है। देन मैं उसी ब्रश की हेल्प से अब इसको ब्लेंड करूँगी नीचे की तरफ, जो नीचे मैंने आईब्रोज नीचे की तरफ में ब्रश की हेल्प से ही उसको ब्लेंड करूँगी, एंड जब वो नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट, तब कोई भी छोटा ब्यूटी ब्लेंडर लेके, कोई भी आप ब्लेंडर ले सकते हैं, अगर आपके पास ब्रश है कोई बफर ब्रश है तो आप ब्रश की हेल्प से भी उसको ब्लेंड करिए, ताकि वो वहाँ पे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ना लगे आईब्रो के पास। तो मैंने इस तरह से दोनों आईज में एंड्स की तरफ ब्लेंड कर लिया है, एंड बीच में भी मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है, ऊपर की तरफ अगर मैं ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी, आईब्रो का जो मैंने फिल किया है उसके बीच में प्रोडक्ट जा सकता है, तो मैंने ब्रश की हेल्प से ही उसको ऊपर की तरफ ले गई हूँ, सो दैट जब वो प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा तो एक गैप आ जाएगा आईब्रोज के बीच में, एंड मैं उसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपको सिर्फ इन्हीं दो टूल्स की हेल्प से आपका इतना अच्छा फिनिशिंग लुक गाइज ये मुझे मिला है। तो मैंने इस तरह से लुक क्रिएट किया, यहाँ पे अपने आईब्रोज को मैंने फिल किया, उसको फिर क्लीन लुक दिया, फिर उसको पॉलिश किया, एक परफेक्ट आईब्रो पाने के लिए सिर्फ ये छोटी सी ट्रिक हमें करनी है।
तो इस तरह से ये आईब्रो मुझे अचीव हुआ, आपको भी अचीव हो सकता है अगर आप इस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।